निकल के छांव से फिसल के। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आपका स्वागत करता हूं आपसे अपने YouTube चैनल ऑसम ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा, फ्रेंड्स इस टाइप के स्टेटस एडिटिंग अगर आप भी करना चाहते हो, फ्रेंड्स पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए आप। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जो भी टूल्स यूज किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सबसे पहले आप उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एडिटिंग में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, इस एडिटिंग में मैंने यूज किया है Lightmotion का 3.6 का वर्जन, तो अगर आपके पास नहीं है तो उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि जैसे ही एडिटिंग में आपको बताऊँ उस टाइप से आपको वहाँ पर फीचर मिल जाए, आप इजिली उसे डाउनलोड एडिट कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। सो एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो का ट्यूटोरियल मैं लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलेंगे अपने फोन के स्क्रीन पे। तो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने Lightmotion एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे टैप करेंगे, यहाँ पे 4.5 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लीजिएगा, रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल रखिएगा, फ्रेम रेट 30 fps करके ब्लैक स्क्रीन के साथ क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद प्लस के आइकन पे टैप करना, इमेज एंड वीडियो में जाना है। फ्रेंड्स, व्यू ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा और जो भी इमेज आप यहाँ पे यूज करने वाले उस इमेज को सिंपली ले लीजिएगा। वैसे मैं जो इमेज यहाँ पे यूज करा उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो आप उसे इजीली यहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से देख लेता हूँ मेरा इमेज कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो इमेज यूज किया वो वाली ये वाली इमेज देख सकते हैं कुछ इस तरह का, यहाँ पे प्लस के आइकन पे टैप करेंगे और फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। तो ऊपर में भी थोड़ा कट रहा है, नीचे में भी कट रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे थोड़ा सा और हम थोड़ा जूम करेंगे, तो फ्रेंड्स इस इमेज पर क्लिक करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, यहाँ 3 नंबर पर जूम वाला ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके इसे थोड़ा सा जूम कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। इतना काफी है, इतना रहने दीजिएगा। इसलिए मैंने इसे जूम किया कि थोड़ा सा जब ये मूव करेगा तो कटेगा ना इसलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्रीन पर टैप कीजिएगा, स्क्रीन पर टैप करने का तो प्लस के आइकन पर टैप कीजिएगा और फ्रेंड्स ऑडियो वाले सेशन में जाएगा और यहाँ पर जो भी ऑडियो आप जिस ऑडियो पर स्टेटस बनाना चाहते उस ऑडियो पर ले लीजिएगा। तो चलिए मैं ये वाली ऑडियो को यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने इसे ले लिया। लेने के बाद फ्रेंड्स इस वाले एडो पर क्लिक कीजिएगा तो आप लास्ट में जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इमेज पे टैप कर लेना, टैप करने के बाद फ्रेंड्स ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें हम इफेक्ट देंगे, तो उसके लिए इमेज पर क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे इमेज पर क्लिक कीजिएगा तो इफेक्ट का ऑप्शन नीचे में आ जाएगा, सिंपली इस पर टैप कर लेना। फ्रेंड्स, टैप करने के बाद यहाँ पे एड इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, एड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मूव ट्रांसफॉर्म स्वाइंग वाला इफेक्ट मिल जाता है, तो आप उसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली सर्च में स्विंग सर्च करेंगे और वो आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये स्विंग वाला जो ऑप्शन आ रहा है, ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। फ्रेंड्स, इसमें हम इफेक्ट देंगे, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी का जो ऑप्शन आ रहा है तो इसमें आप देख रहे हैं 2 है, तो इसे हम कर देंगे 0.50। तो सिंपली इसे आगे तरफ कर लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा और आगे स्क्रॉल करेंगे और ये रहा 0.50, तो देख सकते हैं इसे मैंने 50 कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स एंगल 1 को 3-3 कर देना, ये 30 है -30, तो इसे -3 कर लेंगे। यहाँ पर सिंपली आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया -3, थोड़ा सा आगे ये। अब इसके बाद एंगल 2 पे क्लिक करेंगे, प्लस में 30 है तो इसे हम -30 कर लेंगे, तो यहाँ पे इसे माइनस में नहीं प्लस में ही 30 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये रहा थोड़ा सा ये रहा, ठीक है, 3 पे हो गया। अब इसके बाद यहाँ से स्विंग वाले इफेक्ट पे क्लिक कीजिए तो बैक चला जाएगा अंदर। इसके बाद फ्रेंड्स ऐड पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ मूव ट्रांसफॉर्म में फिर से आपको मिल जाएगा ऑक्सिलेट, तो यहाँ पे हमें सर्च में लिखता हूँ ऑक्सिलेट, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सिलेट का जो ऑप्शन है वो ऊपर हमें आ गया। तो यहाँ स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको ऑक्सिलेट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसे एंगल को 0 कर देना, 0 करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है इसे आप 1 कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करेंगे ये 2 है तो इसे 1 कर देंगे, तो आगे तरफ कर लेते हैं सिंपली ये रहा थोड़ा सा ये इतना 1 10 हो गया, 1 पे करना है, उंगली से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये हो गया 1। इसके बाद मैग्नीट्यूड ये जो 25 है तो इसे आपको 20 कर लेना है, तो सिंपली थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करेंगे और ये रहा 20, ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ ऑक्सिलेट पे क्लिक कीजिए, बैक अंदर चला जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स एड इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ 3D में आपको फ्लिप इफेक्ट मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फ्लिप, आप जैसा कि देख सकते हैं तो यहाँ पे फ्लिप लेयर वाला जो इफेक्ट आ गया उसे ले लेंगे। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद इसमें एक ही इफेक्ट मिल जाएगा, फ्लिप लेयर पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नीचे पर स्क्रॉल करना है, क्रॉप वाला जो ऑप्शन इस पर क्लिक कर लीजिएगा और फ्रेंड्स इसमें एक ठो इफेक्ट हमें देना है। तो सबसे पहले तो आप इसे ये 1 है तो इसे 0.800 कर लेना है, सिंपली आगे तो हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ थोड़ा और आगे जाएगा ये, थोड़ा और थोड़ा ये रहा थोड़ा सा, तो 0.800 हो गया। इसके बाद हम इसे देख लेते हैं कि कहाँ तक हमें रखना है, तो लास्ट से थोड़ा पहले इसे हम रख लेते हैं, यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और इसे अभी आपको कर देना है 1, ठीक है, तो आगे तरफ हम स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पे देख सकते कुछ इस तरह से ये 1 पे हम कर देंगे इसे, तो ये जूम इफेक्ट जो आता है ये इस टाइप का इफेक्ट यहाँ पे आपको मिलेगा सिंपली, तो इसे थोड़ा सा और आगे करेंगे और ये रहा 1, ठीक है, हो गया। इतना पे रहने देते हैं, इसके बाद का इफेक्ट कुछ इस तरह का और यहाँ पे आप देख सकते कुछ इस तरह से इफेक्ट आ रहा है, तो सिंपली ये हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स इस इमेज का हम डुप्लीकेट कर लेंगे, तो इमेज पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे डुप्लीकेट वाला जो ऑप्शन इस पर क्लिक करिएगा, इसके थ्रू डुप्लीकेट कर लीजिएगा। डुप्लीकेट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक कोने किसी भी एक इमेज पर आप क्लिक कर लीजिएगा, तो ये मैं ऊपर वाले इमेज पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सबसे पहले इफेक्ट में जाना है और यहाँ से 2 इफेक्ट आपको डिलीट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑक्सिलेट वाला हम डिलीट कर देंगे, फ्लिप लेयर जो है इसे भी डिलीट कर देंगे, तो स्वाइंग वाला बच गया। स्वाइंग वाला हम थोड़ा सा हमें इफेक्ट चेंज करना है,
तो इसमें आपको फ्रीक्वेंसी इतना ही रहने दीजिए, फ्रीक्वेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली ये एंगल वन जो है तो इस पर आपको क्लिक करना है, और ये -3 है तो इसे प्लस में 3 कर देना है। तो सिंपली हम आगे प्रोफेस कॉल कर लेंगे इस साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसे वन कर देते हैं, वन पे ये रहा, ठीक है, वन हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे एंगल टू जो है तो ये प्लस में 3 है तो इसे -1 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस साइड में हम स्क्रॉल करेंगे, ये रहा -1 कर देना है इसे सिंपली, यहाँ पे देख सकते हैं -1 हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको बैक आना है, तो स्वाइंग पे क्लिक कीजिए, ये अंदर चला जाएगा, इसे ऐड इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे आपको सर्च में टाइल लिखना है, TI। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइल का जो ऑप्शन ऊपर में आ रहा है, तो इसमें सिंपली आपको क्लिक करना है, क्लिक करना है स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सिंपली आपको टाइल पर क्लिक करना है, और इसे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मिरर को ऑन कर देना, ऑफसेट इसे आपको ओपन कर देना है, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरे स्क्रीन को कैप्चर कर रहा है, तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे ये बैक आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स इसे इसमें एक इफेक्ट देना है, तो अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, तो हमने जो इफेक्ट दिया तो ये वाली इमेज है ऊपर वाली, तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं कि पूरा पे सही है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ मूव या ट्रांसफॉर्म वाला जो ऑप्शन, इस पर क्लिक करने बाद फ्रेंड्स यहाँ प्लस जो है इस पर एक बार टैप ही देगा, और इसे आगे की तरफ स्क्रॉल कर लीजिएगा, तो इसे मैं यहाँ तक कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक 2 सेकंड पर, ठीक है, या 5 सेकंड कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, 5 सेकंड पर इसे हम कर लेते हैं, यहाँ पे आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रहा 5 सेकंड, इसे प्लस का आइकन पर क्लिक करेंगे, और फ्रेंड्स इसे आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे इस साइड में, जब तक ये खराब वाला स्क्रीन ना आ जाए वहाँ तक हम स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, और ये रेड वाला जो लाइन देख रहे हैं बीच में, तो इसे आपको लाइन को बीच में रखना है, इससे आपकी इमेज ऊपर नीचे नहीं होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे खराब वाला स्क्रीन जो आ रहा है, तो यहाँ इसे स्क्रीन को यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है, इतना पे, और ये बीच वाला लाइन जो था ये एकदम बीच में था, तो इससे इफेक्ट हमें मिल जाता है। इसके बाद फिर से 10 सेकंड पे जाएंगे, इसी तरह से 5-5 सेकंड पे कर लीजिएगा, तो 10 सेकंड पे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 सेकंड पर मैं आ चुका हूँ, और सिंपली फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, क्लिक करने बाद फ्रेंड से आप इसे आगे की तरफ इस साइड में कर लीजिएगा, बस ये लाइन जो है इसे आप देख रही है कि बीच में ही रहा है, रेड वाला लाइन जो बीच में दिख रहा है इस लाइन को बीच में ही रखिएगा इस तरह से, यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो सही नहीं लगेगा, इसलिए इसे बीच में ही रखेंगे इस तरह से, आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं, और ये थोड़ा और जाएगा, थोड़ा सा और है यहाँ पे, अब खराब वाला आएगा तो वहाँ तक आपको देख लेना, ये देख सकते हैं खराब वाला आ गया, तो अब इसे हम लाइन में बीच लाइन में कर लेंगे रेड वाले को, तो यहाँ पे आ गया, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ पर चलेगा, ये रहा एकदम सेंटर में आ गया। इसके बाद फिर से आपको आगे की तरफ स्क्रॉल करना है, अभी आपको 15 सेकंड पे कर लेना है, इसी तरह से आप पूरे को कर लीजिएगा, तो यहाँ पे मैं 15 सेकंड पे एक बार कर लेता हूँ, फिर से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो ये रहा 15 सेकंड, ठीक है, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, अब दूसरी साइड में इस साइड में जाना है, तो इस साइड में हम इसे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं अब कितना भी फास्ट कीजिएगा, बस बीच में रखना है, और कटने वाला लाइन जो आता है उसे कटना नहीं चाहिए, ये देख सकते हैं ये वाला लाइन नहीं काटना चाहिए, अब ऊपर नीचे इस तरह से करके आप देख लीजिएगा, रेड वाला लाइन जहाँ पे आ जाता है वहीं पर रोक दीजिएगा, फिर से आपको इसे आगे तरफ कर लेना 20 सेकंड पे, यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया 20 सेकंड पे, यहाँ पे सिंपली प्लस के आइकन पे क्लिक कर देंगे, ये रहा प्लस के आइकन पे क्लिक कर देंगे, अब इस साइड में हमें ले जाना है, इसे सिंपली स्क्रॉल करेंगे इस साइड में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा, ये रहा 20 सेकंड पे आ गया, तो इसे हम यहाँ से कर लेंगे, और ये रहा लाइन बीच में, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद फिर से आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, और ये रहा 25 सेकंड पे, मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ इसलिए कि आपको एडिटिंग बताने में अच्छा आसानी हो, अब इस साइड में कर लेते हैं थोड़ा सा, ये ज़्यादा आ गया तो यहाँ पर रखेंगे, और इसे बीच में कर लेंगे, ये रहा। तो फ्रेंड्स इस तरह से पूरा कर लीजिए, मैं इतना ही रहने देता हूँ, तो आप देख सकते हैं जब ये स्क्रॉल होगा ये चलेगा, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, देख सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, इस वाले इमेज को आप नीचे कर देना है इस तरह से, आप देख सकते हैं अभी, ये देख सकते हैं ऊपर वाला लाइन ऊपर है और नीचे वाला लाइन नीचे, इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि जितने स्मूथली आप करेंगे उतना अच्छा लगेगा देखने में। तो फ्रेंड्स ये हो चुका है कंप्लीट, इसमें आपको एक और इफेक्ट देना है, तो सिंपली यहाँ स्टार्टिंग में जो प्लस के टाइप कीजिए, टेक्स्ट वाले में जाइएगा, और यहाँ पे आपको जो भी लिखना है जैसे गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, या लव, या वेफा, ब्रोकन हार्ट, इस टाइप का कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं तब तक के लिए यहाँ पे लव लिख देता हूँ, तो लव यहाँ पे मैंने लिख दिया, लिखने के बाद इसे यहाँ पे कर लेंगे सेंटर में, रोबोटो रेगुलर पर क्लिक करेंगे, और फ्रेंड्स इस वाले फॉन्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो इस फॉन्ट को आप ले लीजिएगा, और 18 PT है तो इसे बढ़ाकर आप जितना करना चाहे उतना कर लीजिएगा। इसके बाद इसका कलर आपको व्हाइट कर देना है, तो यहाँ पर देख सकते कुछ इस तरह से दिखेगा, इसे और भी आप बढ़ाना चाहे तो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको इसे राइट क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक कर देते हैं, और इसे आपको रखना है सेंटर में, जहाँ पे देख लीजिए कौन सी, यहाँ पे हम इसे यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे रख लेते हैं, क्योंकि ये जो आदमी का यहाँ पे मॉडल दिख रहा है तो ये इस साइड में घुमा हुआ है, इसे यहाँ पे रख लेते हैं, या फिर यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे अच्छा लगेगा देखने में, यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसे रख देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इसे लास्ट तक करना है, इस साइडों पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसे लास्ट तक कर लेंगे, और इस वाले पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट तक आ गया। अभी यहाँ पे इसका डुप्लीकेट कर लेना है, तो सिंपली इस वाले टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे जो डबल लेयर्स वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने बाद इसका एक डुप्लीकेट कर लीजिए, डुप्लीकेट वाले पर क्लिक कीजिए, और फ्रेंड्स एडिट स्टेप में जाइए, यहाँ पे जो लिखा हुआ पॉलिस इसे मिटा दीजिए, और फ्रेंड्स यहाँ पे आप इमोजी ले लीजिएगा, जैसे ये वाली इमोजी पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ से कुछ इमोजी हम ले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक ठो ये हार्ट वाला ले लिया, और यहाँ पे एक ठो ये वाला रोज वाला ले लेते हैं, और एक ठो हार्ट वाला, ठीक है, मतलब ये स्माइली एक ठो ले लिया हूँ मैं। अब ये साइज इसका जो है काफ़ी बड़ा है, तो इसे हम थोड़ा छोटा करेंगे, और यहाँ पे इसे एडजस्ट करेंगे, तो थोड़ा और बड़ा है तो थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसे, इतना पे सही लग रहा है शायद, थोड़ा सा और कर लेते हैं इतना पे, ठीक है, ये सही लग रहा है, अभी आपको ये सही लग रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे कलर वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने में यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए और इसे डस्ट प्रिंट कर दीजिएगा इस तरह से, तब देख सकते इमोजी दिखने लगेगा। और फ्रेंड्स ये इमोजी कट नहीं रहा है थोड़ा भी, तो इसे ऐसे भी डालने दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको राइट क्लिक कर देना है, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में आ जाना है, स्टार्टिंग में आने के बाद फ्रेंड्स इस दोनों का एक ग्रुप बना लीजिएगा इस तरह से सिलेक्ट कीजिएगा और इसका एक ग्रुप बना लीजिएगा। ग्रुप बनाने के बाद फ्रेंड्स इसमें आपको थोड़ा सा इफेक्ट देना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाली इमेज पर क्लिक करेंगे, जो ऊपर वाली इमेज थी उस पर क्लिक करना है, ऊपर वाली इमेज पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट में जाने के बाद स्विंग वाला जो इफेक्ट है इसे यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर लिए। अभी आपको उस वाले फॉन्ट पे आना है ग्रुप पे और यहाँ पे इफेक्ट में जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है और उसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अभी एक तो और यहाँ पे लेकर आएंगे और फिर इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग करनी है तो उसे हम करेंगे, तो उसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, ऑक्सिलेट वाला है इस पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, इसका एक तो कॉपी इफेक्ट कर लेंगे तो हो गया। इसके बाद फिर से ग्रुप पे आएंगे और इफेक्ट में जाएंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और इसे पेस्ट इफेक्ट यहाँ पे कर देंगे। अभी आपको स्विंग वाले पर क्लिक करना है और इसका जो एंगल है उसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, तो एंगल आपको यहाँ पे एंगल वन पे क्लिक करना है, फ्रीक्वेंसी इतना ही रहने देंगे, इसे एंगल वन को प्लस में थ्री कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आगे करेंगे, ये रहा, ये हो गया प्लस में थ्री। अब एंगल टू पे क्लिक करेंगे, इसे माइनस में थ्री कर लेंगे, यहाँ पे साइड में हम स्क्रॉल कर लेंगे और ये रहा माइनस थ्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, इसे आप चलाकर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा देखने को आपको मिलेगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से एडिटिंग हो चुकी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो फ्रेंड्स इसमें आप नीचे वाला जो इमेज है उसमें एक और इफेक्ट दे सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं है, तो इफेक्ट में क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे एड इफेक्ट पर जाएगा, ब्लर वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे मोशन ब्लर का जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर दीजिएगा। जब ये चलेगा तो इसमें कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें मोशन ब्लर दिया हुआ है, तो नीचे में जो स्क्रॉल हो रहा है तो उसमें मोशन ब्लर का ऑप्शन भी हल्का हल्का आ रहा है और ये काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे इफेक्ट दे रहा है। फ्रेंड्स हमारी स्टेटस ओपन कर तैयार हो चुके हैं, इसमें आप पार्टिकल देना चाहते हो इसलिए दे सकते हैं, तो उसके प्लस का आइकन पर क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स ये वाला जो शेप है उसे कोई सा हिस्से पर ले लीजिएगा, थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा और इसे फिल स्क्रीन कर लीजिएगा। इसका कलर आपको सिंपली ब्लैक कर देना, ब्लैक करने पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, आप स्क्रीन पर टैप कीजिएगा और फ्रेंड्स ये एरो जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए, लास्ट में आ जाएगा, फिर से इस शेप पर क्लिक कीजिए, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ लास्ट तक आ गया। अभी आपको इस शेप पर क्लिक कर लेना, इफेक्ट में जाना, इफेक्ट में जाने के बाद एडफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, प्रोसीड्यूल का जो ऑप्शन आता है इस पर क्लिक कर लीजिए, क्लिक करना सिंपल स्टार्ट फील्ड का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा, स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए, कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया। स्टार्टिंग में आइएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं और प्लस के आइकन पर टाइप कीजिएगा, इसके लास्ट में आ जाएगा, फिर से प्लस के आइकन पर टाइप कीजिएगा, वाई वाले पर क्लिक कीजिएगा और इसे आपको बढ़ाकर आपको सिंपली 1000 कर देना है, 1000 पे हम कर देंगे, 1000 कर देंगे और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा कम रहेगा इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब स्क्रीन पर आएंगे और फ्रेंड्स फिर से आपको इस वाले शेप पे क्लिक करना है, ब्लेंडिंग में जाना, ब्लेंडिंग में जाना तो लाइटिंग पे जाएगा और यहाँ पे स्क्रीन कर दीजिए, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, राइट क्लिक कर लीजिएगा। अभी आप स्टार्टिंग में जाएगा आप चलाकर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें साउंड लगा हुआ है तो आप सिंपली इसे एक्सपोर्ट करना चाहते कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली इस वाले एरो पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, ये आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स इसी तरह की एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले किसी भी ट्यूटोरियल को आप मिस ना करें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।